नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो विकसित होती दुनिया के साथ साथ विकसित तो हो रहे हैं लेकिन अपनी परंपराओं को भी साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ चार नंबर को अशुभ माना जाता है। हम बात कर रहे हैं चीन से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से द्वीप ताइवान के बारे में। दोस्तों, ताइवान एक छोटा सा देश है जिसमें लगभग 23 मिलियन लोग रहते हैं। इस द्वीप के आकार का अंदाज़ा आप मात्र इसी बात से लगा सकते हैं कि इस द्वीप के चारों ओर व्हीकल ड्राइव करके केवल 8 घंटे में पूरा चक्कर लगा सकते हैं। ताइवान में हर साल 1000 से अधिक छोटे बड़े भूकंप आते हैं। दोस्तों, ताइवान को आधिकारिक तौर पर चीनी गणराज्य कहा जाता है क्योंकि यह अभी भी चीन के नियंत्रण में है। यह जगह रिपब्लिक ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होता है जिसका इस्तेमाल पीसी हार्डवेयर और साउंड कार्ड से लेकर स्कैनर्स तक में किया जाता है। ताइवान के लोग सुपारी चबाने के बहुत शौकीन होते हैं। इसी कारण इस देश में मुंह और गले के कैंसर एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। क्या आप जानते हैं नूडल्स और बबल टी का आविष्कार ताइवान में हुआ है? आस्था के मामले में ये लोग काफ़ी आगे हैं। यहाँ कई तरह के मंदिरों के अलावा औषधियों के देवता भी हैं। यहाँ कई मैच मेकर भगवान तो कई इम्तिहान पास कराने वाले भगवान भी हैं। ताइवान में एक ऐसा रेस्तरां है जहाँ आने वाले कस्टमर को खाना टॉयलेट के आकार में बने स्टैंड में दिया जाता है। ताइवान के लोग चार नंबर को अशुभ मानते हैं। आप इस नंबर के प्रति लोगों के रवैये का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के होटलों में तीसरी मंजिल के बाद सीधी पांचवीं मंजिल आती है। मीट खाने के मामले में यहाँ के लोग बेहद आगे हैं। इनका पसंदीदा खाना भालू के पंजे का सूप है। हालांकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने ऐसा करने का विरोध भी किया है। इन लोगों के बारे में एक बात और भी प्रचलित है, यहाँ के लोग बारिश से काफ़ी डरते हैं। जहाँ भारत जैसे देशों में लोग बारिश में भीगना पसंद करते हैं, वहीं यहाँ के लोग बारिश से काफ़ी डरते हैं। ये लोग बारिश में छतरी लेकर निकलने से भी बचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होती रहती है। ताइवान के नागरिकों को अपने काम से बेहद लगाव होता है। वे लोग प्रति सप्ताह कम से कम 70 घंटे अपनी नौकरी या बिजनेस को देते हैं। तो दोस्तों, ये थी ताइवान के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।